एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि आप लोग सब ठीक हो गए और मजे में हो गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अनाया जोहान की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कल भी व्लॉग नहीं आया। आज माशाल्लाह से जोहान ठीक है, बट अनाया को बुखार है अभी भी, फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने कजन्स के ईद के ड्रेसेस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो। इधर मैं जा रही थी उसके लिए अनाया जोहान के लिए मेडिसिन लेने। जोहान को भी तबीयत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी ख़राब, और जोहान को मैं सुबह भी इनको मेडिसिन लेने के लिए गई थी और दिलवाने के लिए गई थी। सुबह मैं अनाया का दम भी करवा के लेके आई थी। अब मैं इधर मैं दोबारा से जो है मेरी कज़न का, ये ऑल ओवर में है और ये लाइम लाइट का सूट है टू पीस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसने किस तरह से इसको करवाया है। स्टिच पहले बनाया प्लाजो टाइप इस तरीके से, और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन्हें हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस तरीके से ये बना हुआ सारा, और इधर इसके चुनटे डली हुई हैं, ऑल ओवर में है इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ये प्लाजो बनाया। मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ इसके ऊपर की शर्ट जो फ्रॉक बनवाई है, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कज़न का ड्रेस है स्किन कलर का, स्किन ये ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर है, स्किन नहीं सॉरी। तो ये भी बहुत सिंपल सा मतलब स्टिच हुआ और बहुत प्यारा लग रहा है। और इस तरह के आजकल बहुत ज़्यादा इन्ने कुर्ते, और ये देखे इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी की है। मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। इसके पफ बाजू रखे इस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखे इस तरह से ये पफ बाजू रखिए, और ये इसके बाजुओं की लुक है। और ये देखिए इस वाले बाजू को देखें, और इसका जो नेक लाइन है उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। ये देखिए इस तरह से बनाया है ऊपर ये पट्टी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मैं अब आपको लोगों को दिखाती हूँ इसकी कैपरी। कैपरी भी बिल्कुल इसकी सिंपल है, जस्ट बस इधर ये कटवर्क है और ये पिनटेक्स है, जिसकी वजह से ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके साथ मेरी कज़न ब्लैक खुशे और ब्लैक दुपट्टा लेगी और ब्लैक सारे एक्सेसरीज पहनेगी, तो बहुत प्यारी लुक लगेगी। और बाकी हम जब तक यार होंगे इंशाल्लाह ईद वाले दिन आप लोगों को दिखा देंगे। ड्रेस का जो कलर है ना, वो ग्रीन सा कलर है ना, सी ग्रीन कलर है, और कैमरा पिक नहीं करा जिसके वजह से ब्लैक नजर आ रहा है। तो ये मेरी एक तीसरी कजन का है। मैं उसके आप लोगों को नेक लाइन की इसकी डिजाइनिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये बहुत प्यारा चिकनकारी में बना हुआ है, और इस तरह से इसकी डिटेलिंग है, और ये वाले बाजू हैं, और इस तरह से इसकी सिंपल कैपरी है, और ये दुपट्टा है। और बाकी आप लोगों को कोशिश करती हूँ दूसरे ड्रेसेस भी दिखा। ये मेरी चच्ची के जूते हैं जो उन्होंने लिए हैं ईद के लिए स्टाइलो के, और मेरी कज़न के लिए मुझे दिखाने नहीं आ रहे, आप दिखाओ। इसमें क्या ये वाले, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तरीके से। और ये देखें, और दूसरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये मलाइका, ये तुम्हारे हैं? हाँ, और ये मलाइका के हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैंने सोचा ये वाली शॉपिंग भी आप लोगों को दिखा दूँ, तो आप लोग बताना कौन से ज़्यादा प्यारे लगे। ये ड्रेस अली और साथ के लिए मैं ड्रेस लेने गई थी, और मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस लेके आई थी। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और जो लोग मेरे चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और जो पीछे आवाज़ें आ रही इनको इग्नोर करना, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, इधर काम हो रहा है शादी का घर। इधर से मैं अपने सूट के लिए खुद से मैच करी थी, बट नहीं हुआ। इधर मेरा सूट जल्दी में बहुत सिंपल में स्टिच हुआ था, क्योंकि दर्जन के पास टाइम नहीं था, इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ शॉपिंग खाते जो मेरी हो गई। ये वाला जोहान का कुर्ता लिया है ईद के लिए, और ये वाला इसके सैंडल लिए। जोहान के पास ब्लैक कुर्ता था पर बट इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं था, इसके लिए ये वाला ले लिया। पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा वीडियो बना ली। ये अनाया की हैं, और ये वाले मेरे एयरिंग हैं, आई थिंक इनकी मैं पहले बना चुकी हूँ। अच्छा, ये भाइयों के कुर्ते मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। ये साद का कुर्ता है, और साद मेरा छोटा भाई है, आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी, साद मेरा छोटा भाई है। ये वाला उसका कुर्ता है, और ये वाला जो कुर्ता है ये अली का कुर्ता है तरह से। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस दफ़ा ये वाले कलर लिए, क्योंकि इनके पास ये वाले कलर नहीं थे, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और सिस का ड्रेस भी अभी स्टिच होके नहीं आया, और ये वाला मेरा ड्रेस है ईद का जो मैंने लिया, इसके ऊपर ये ऑल ओवर में मैंने लिया था, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये लगाए हैं मिरर। और
और इसे इग्नोर करना, हमारे घर की हालत ऐसी है क्योंकि सफाइयाँ वगैरह हो रही है ना, तो इसलिए। खैर इधर ये शीशा लगाया था एक मैंने, और ये इस तरह से एक इधर लगाया था इधर, और ये वाला इसके साथ का ट्राउज़र है, और ये दुपट्टा है। सिंपल सी जूती है। आई होप आप लोगों को आज के ब्लॉग पसंद आए होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।